अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यार मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली आज के दिन हम आज़ाद हो ही गए थे, अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। वैसे हम इन दिनों कहीं बाहर घूमने नहीं जाते क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आज मेरी अम्मा ने कहा कि ऐमन बेटा क्यों ना आज हम भी कहीं बाहर घूमने के लिए चलें। मैंने कहा अम्मा जी ताडा आर्डर तो लोहे तक आर्डर, चलो फिर चलते हैं। तो देखते हैं बाहर का कैसा माहौल है और हम कहाँ जाएंगे वो तो आपको आगे आगे मेरे व्लॉग में पता चलेगा। मुझे लगा था कि रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश होगा लेकिन बिल्कुल भी रश नहीं था। जैसे जैसे शाम हो रही थी रश बढ़ रहा था और शुक्र है हम घर से टाइम से ही निकल आए और फाइनली हम पहुंच चुके हैं लालपुर गैलरिया। यहाँ पे पहुंचे तो इवेंट हो रहा था जहाँ पे बच्चे काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और ये टेडी मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था। लालपुर गैलरिया में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना तो मैं सोचती थी कि मैं ये मॉल विज़िट करूँगी, लेकिन मिसाकुल मॉल हमारे इतने नज़दीक है ना, मुझे कोई भी चीज़ लेनी हो वहाँ पे जाना बहुत कन्वीनियंट लगता था, इसलिए मैं वहाँ चले जाती थी। मैंने कहा यार आज 14 अगस्त है, चलो आज थोड़ी आज़ादी भी मना लेते हैं और न्यू मॉल भी विज़िट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा मॉल बना हुआ था, काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और यहाँ की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि यहाँ पे वीडियो बनाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अलाउ है, वरना फैसलाबाद के ज़्यादातर मॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे वीडियो बनाने ही नहीं देते। ज़रा सा कैमरा खोल के लो इर्द गिर्द सारे आ जाते ने, मैम कैमरा बंद कर लें, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, दिल करता है कि ऑनर का सर फाड़ दें, ये रूल उसने रखा ही क्यों है। मैं काफ़ी देर के बाद वीडियोस बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ना मैं व्लॉग्स बनाना भूल रही हूँ। वो दिन आएगा जब मैं कहूँगी हैं कैमरा क्यों दा। चलिए अब हम अपना नेशनल एंथम एंजॉय करते हैं। चलो सब अब मेरी अम्मी को हेलो कर दो। और यार यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी, ऐसे कपड़े होने नहीं चाहिए पाकिस्तान में। माना हम आज़ाद हैं लेकिन हम इतने भी आज़ाद नहीं हैं कि ऐसे कपड़े पहने। और फिर हम आए सही करने के स्टॉल पे, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए। यार इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी और अफोर्डेबल होती हैं, इनके इतर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैजिक शेजिक भी हो रहा था। यार इन मैजिशियन ने ना बचपन में हमें बड़ा पागल बनाया, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े ही सियाने हैं, यूट्यूब से मैजिक करना सीखते हैं और ख़ुद बता रहे होते हैं मैं हम आपको मैजिक करके दिखाएं। और मेरी अम्मी जहाँ भी जाए ना बर्तन तो ज़रूर देखती हैं, यहाँ भी सबसे पहले आके बर्तन ही देखे मेरी अम्मी ने। अब मैं आपको दिखाऊँगी जी फैसलाबाद, ये है हमारा प्यारा फैसलाबाद। यार मुझे फैसलाबाद इतना पसंद है ना, मुझे फैसलाबाद के अलावा कोई शहर अच्छा लगता ही नहीं है। सही कहते हैं अपना शहर अपना ही होता है। अभी हम जा रहे हैं घर, थोड़ा सा मज़ा तो आया और थोड़ी सी शॉपिंग भी की है, तो चलो फिर घर चलते हैं। और यार जैसे ही हम घर पहुंचे ना हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, भूख लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन चिकन कच्चा डाल दिया तो एकदम स्मेली सा पिज़्ज़ा था, सारा मूड ख़राब हो गया हमारा। और बस यार दुआओं में याद रखना, यही था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।